हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो हरियाणा की पॉलिटेक्निकल है, सबके यहाँ पर ऑनलाइन दो काउंसलिंग हुई थी टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपके उसमें नंबर नहीं पड़ा तो आपकी थर्ड काउंसलिंग होती है जो कि कॉलेज के लेवल बेस पे होती है। उसमें आपको बताया था कि उनकी वेबसाइट, जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, उनकी सभी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म आपको दिया गया था। वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना था और उसकी पीडीएफ बनाकर, अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाकर, वो फॉर्म पर आपको डाउनलोड करके अपना उसे फोटो वगैरह लगाकर और अपनी डिटेल वहाँ पर एंटर करके वो आपको उनकी ईमेल आईडी पर आपको सबमिट कराना था। वो दोस्तों आपने किया होगा, लेकिन अब आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आपकी रैंक वाली लिस्ट आ चुकी है कि आपका रैंक कितना है और उसके हिसाब से आपका नंबर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। कैसे आप चेक कर सकते हो? सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि मैंने या फिर मेरे ब्रदर का, मैंने नीलूखेड़ी पॉलिटेक्निकल जो है गुरु ब्रह्मानंद जो कि नीलूखेड़ी में है, उसमें वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप किया था। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया था, ये जो फॉर्म था ये 29 तारीख को अपडेट कराया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस इंस्टीट्यूट लेवल ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल पे आपकी काउंसलिंग हुई थी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीलूखेड़ी का सभी पॉलिटेक्निकल के जो भी वेबसाइट है उस पर एक फॉर्म दिया गया था, वो आपको फिलअप करना था। ये आपको बताया गया था कि आपको 29 तारीख 28 तारीख तक आपको ये 2 बजे से पहले या फिर आपको इवनिंग से पहले आपको ये इस मेल पर आपको ये सबमिट कराना था, जो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। दोस्तों, मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था कि ये डेट मुझसे चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम बचा था तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपके लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया था कि आपको यहाँ पर अपनी इस फॉर्म को आपको पीडीएफ, आपको फोटो स्टेट आपको करवा लेनी है, आपको प्रिंट आउट से निकलवा लेना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दी गई है कि इस ईमेल आईडी पर आपको ये सब सेंड करना। लास्ट डेट जो थी इनकी 28/9/2021 की थी, जिन कैंडिडेट ने ये सब कर दिया था। तो यहाँ पर अपनी फोटो, नाम वगैरह, आपको डिटेल आपको एंटर करना था सब कुछ। उसके बाद पीडीएफ बनाकर आपको जो मेल यहाँ पर आपको दिया इस पर आपको सेंड करना था। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर अब रिजल्ट आ चुका है, आज 30 तारीख हो चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिप्लोमा लेटर एंट्री बेस पर, यानी जिन्होंने 10th बेस पर अप्लाई किया था। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आपके फादर का नाम आ जाएगा और आप मेल हो फीमेल हो और यहाँ पर जेंडर में आ जाएगा। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी 10th में, उसी के हिसाब से जो आपका रैंक है स्टूडेंट आईडी वो आपका बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये लोकेश है, इनका जो 10th में जो परसेंटेज थी वो थी 100% थी और इनका D1 इनका एक रैंक यहाँ पर मिल चुका है। अब दोस्तों, जो भी इन्होंने फिलअप की थी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इन्होंने फिलअप की थी, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको नीचे डाउन स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, और जो भी इन्होंने यहाँ पर फिलअप किया था, जैसे कि ये फॉर्म दिया गया था और यहाँ पर चॉइस फिलअप की थी, मान ली इलेक्ट्रिकल की थी इनमें से, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, जो भी यहाँ पर चॉइस फिलअप की थी उसी के हिसाब से अब यहाँ पर आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी आपके रैंक के हिसाब से। अभी लिस्ट इन्होंने अनाउंस नहीं की है, अभी सिर्फ आपका रैंक यहाँ पर डाला हुआ है कि आपका रैंक कितना आया है। और जैसे ही कल नेक्स्ट यहाँ पर डे आएगा तो यहाँ पर आपकी रैंक के हिसाब से जो भी आपने चॉइस फिलअप की है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेड मिली है। तो दोस्तों, इसी तरह की कॉलेज से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।